सो आप में से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर एक्सेल के अंदर किस तरीके से डेटा लेकर आएं, उसके ऊपर एक वीडियो यहाँ पर बना दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आपके पास जिंदगी भर तक लाइव डेटा एक्सेल के अंदर चलेगा, ऐसा मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सेल शीट के अंदर लाइव डेटा को आप किस तरीके से यहाँ पर फेच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग को एक्सेल शीट के अंदर डेटा की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको पहले हम लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी डेटा हम लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलता है या किसी भी सॉफ्टवेयर से मिलता है, तो वो सारा रॉ डेटा होता है। उससे हम लोग कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, उससे हम लोग कोई आइडिया नहीं लगा सकते, कोई ट्रेंड का एनालिसिस नहीं कर सकते, स्टॉक कहाँ जाने वाला है, क्या डेटा यहाँ पर आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। सो सारा डेटा वो रॉ फॉर्म में होता है। सो उस रॉ डेटा से अगर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालना है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, उसका ट्रेंड क्या है, तो वो हम लोगों को डेटा कहीं ना कहीं फेच करना पड़ेगा। और सबसे अच्छे तरीके से अगर हम लोग उस चीज को कर सकते हैं तो वो एक्सेल शीट के अंदर कर सकते हैं। सो आप में से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर एक्सेल के अंदर किस तरीके से डेटा लेकर आएं, उसके ऊपर एक वीडियो यहाँ पर बना दीजिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आपके पास जिंदगी भर तक लाइव डेटा एक्सेल के अंदर चलेगा, ऐसा मैं आपको यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। सो उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पर फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फायर्स वन का प्लेटफॉर्म है। जब आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर मिलता है। सो लाइव डेटा को एक्सेल में लाने के लिए आपको किसी न किसी टर्मिनल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने फायर्स के अंदर अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको इस तरीके का यहाँ पर फ्री में एक ट्रेडिंग टर्मिनल मिलेगा। सो इसके यूज से अभी हम लोग यहाँ पर एक्सेल के अंदर डेटा को फेच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कई सारे एक्सेल शीट पहले से बना रखी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट अभी हम लोग यहाँ पर एक फ्रेश नई एक्सेल बना रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डेटा को फेच कर रहे हैं, और फिर हम लोग उस एक्सेल को यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करेंगे। यानी कि डे एंड पे जब आप उसको क्लोज करते हो और जब नेक्स्ट डे वापस से ओपन करोगे, तो वो एक्सेल शीट वहीं से ओपन होना चाहिए। आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर एक्सेल शीट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि कई सारे लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर ये बताया हुआ है कि आपको डेली डेटा उसके अंदर अपडेट करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको यहाँ पर एक्सेल को रोज बनाना पड़ेगा। तो वो काम हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हम लोग को नहीं मिलेगा। सो अभी हम लोग यहाँ पर बिना टाइम गवाए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटा को हम लोग यहाँ पर फेच करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का एक सेक्शन मिलेगा। आप सबसे पहले एक वॉच लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। लेट सपोज यहाँ पर अभी हम लोग एक वॉच लिस्ट का नाम देते हैं, लाइव डेटा टू एक्सेल। इस तरीके से आपने अपनी एक वॉच लिस्ट यहाँ पर बना दी, इस पर सिंपली आपने ओके कर दिया है। अभी उस वॉच लिस्ट के अंदर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली लाइव डेटा एक्सेल में जाना है, राइट। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या चाहिए। आप इक्विटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप इक्विटी को ऐड कर सकते हैं। सिंपली मार्केट वॉच के अंदर आपको स्टॉक को ऐड करना है, तो लेट सपोज अभी हम लोग यहाँ पर दो स्टॉक को ऐड करते हैं, रिलायंस को ऐड करते हैं, राइट। ये हम लोगों ने रिलायंस को ऐड कर दिया, सॉरी वो ऑलरेडी ऐड हो गया था। यहाँ पर अभी हम लोग TCS को ऐड करते हैं, राइट। और अभी हम लोग यहाँ पर इन्फोसिस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो तीन स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिए। अगर आप चाहें यहाँ पर तो ऑप्शन चेन में से भी आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक्सेल के अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास फ्यूचर स्टॉक है, फ्यूचर ऑप्शन है, ऑप्शन स्टॉक के अंदर चले जाएं, यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स के अंदर जा सकते हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो निफ्टी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेट सपोज अभी हम लोग यहाँ पर 11500 का कॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, जो एक्सपायरी है वो 26th of September की है। इसको हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोगों को देखो OI का डेटा मिल रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना है। हम लोगों ने जो बात की थी ना पिछले वीडियोस के अंदर, यहाँ पर एक्सपायरी डेट कब है इस कॉन्ट्रैक्ट की, कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट से, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मार्केट वॉच में आकर वॉच लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लिंक टू एक्सेल। इस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, राइट। अब आपको जो जो स्टॉक को यहाँ पर लाइव एक्सेल के अंदर फेच करना है, उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या क्या डेटा चाहिए, जैसे कि उसका टिकर, सिम्बॉल नेम, सीरीज, तो अभी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसका 1 ईयर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर OI चेंज कितना हुआ है, प्रीवियस हाई लो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं।
राइट। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अपने यहां पर एक्सेल में जाना है और यहां पर आपको एक्सेल को ओपन कर रहा है राइट क्लिक दबाकर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे। तो फ्रेंड्स यहां पर आपके सामने एक एक्सेल ओपन हो जाएगा राइट। इस एक्सेल पे आपको यहां पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इतना आपने यहां पर कर लिया, फिर आपको यहां पर सिंपली कंट्रोल वी दबाकर पेस्टिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये सारा डेटा आपके सामने यहां पर लाइव आ गया है। अभी ये डेटा जो हमारे पास आया इसको हम लोग यहां पर नाम दे सकते हैं लाइव डेटा। ये रॉ फॉर्म में डेटा है हमारे पास। अभी अगर हम लोगों को कोई स्ट्रेटजी बनाना है, जैसे हम लोग बटरफ्लाई बनाते हैं या फिर हम लोग यहां पर आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, कॉन्डोर बनाते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं, तो उसको आपको यहां पर आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए दो चीज यहां पर चाहिए, एक लोअर स्ट्राइक चाहिए, एक हायर स्ट्राइक चाहिए। तो उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपको यहां पर डायरेक्टली उसकी वैल्यू दिखा देगा। अब बटरफ्लाई के अंदर हम लोग यहां पर दो कॉल को सेल कर रहे हैं और दो साइड के कॉल को बाई कर रहे हैं, तो उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको यहां पर पता लग जाएगी राइट। तो अभी हम लोग इससे क्या करेंगे, देखिए लेट सपोज मुझे यहां पर अभी इतना सारा डेटा नहीं देखना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि इनकी एलटीपी क्या चल रही है और ये अपने हाई के कितना करीब है, वो दो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए अगर मेरी स्ट्रेटेजी ये बोलती है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए सिंपली यहां पर आया मैं, जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम एक्सेल को समझ रहे हैं कि कैसे हम लोग यहां पर इसको फेच कर सकते हैं। तो यहां पर आपने लिखा सिंबल राइट, यहां पर उसका एलटीपी डाला आपने, यहां पर मुझे एलटीपी चाहिए और यहां पर मुझे इसका हाई चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देखना है सिंपल। तो अभी यहां पर इक्वल टू का साइन दबाएंगे हम लोग और यहां पर सिंबल को पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे राइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि सिंबल यहां पर आ गया। अब इसकी एलटीपी की इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है, तो एलटीपी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहां पर है और इसको हम लोग सिंपली ड्रैग कर देंगे राइट। उसी तरीके से हाई की इन्फॉर्मेशन हम लोग लेकर आते हैं, तो यहां पर जाएंगे हम लोग, हाई को हम लोग यहां पर सिलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं और इसको हम लोग यहां पर नीचे राइट। तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलायंस है अभी वो 1290 चल रहा है, जो इसने रिसेंट हाई बनाया इंट्राडे में वो 1298 का बनाया। तो यहां पर अगर मुझे स्टॉक को बाई करके चलना है तो मैं इसके ऊपर अपना बाइंग प्राइस लगा सकता हूं, बट यहां पर मुझे दिख रहा है कि अभी हाई से कितना करीब है। TCS ने जो आज हाई बनाया वो 2107 का बनाया, अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है 2082 पे कर रहा है। उसी तरीके से निफ्टी का जो आप यहां पर देख सकते हैं जो कॉल ऑप्शन है हमारा 11500 का, उसने यहां पर जो हाई बनाया वो 138 का बनाया और 60 रुपीस पे वो करंटली अभी ट्रेड कर रहा है राइट। तो ये आप यहां पर डेटा को फेच कर सकते हैं। वो जो हम लोग कंप्लीट फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, सारा हम लोग जो डेटा को किस तरीके से एक्चुअली में रीड कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप इसको यहां पर काफी सुंदर कर सकते हैं, लाइक इसके अंदर आपको एक बार में समझ में आ जाए। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं अभी। जैसे मैंने कुछ यहां पर OI का सारा डेटा लिया हुआ है, तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोग जिससे रीड करते हैं। बेसिकली जो भी डेरिवेटिव्स के अंदर यहां पर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड होता है, तो कहां पर हमारा OI सबसे ज्यादा है, कहां पर कॉल राइटिंग हुई है, कहां पर पुट राइटिंग हुई है, उससे हम लोगों को एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल पता चलता है ऑप्शंस के अंदर। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 11900 के ऊपर, ये जो हम लोग डेटा देख रहे हैं अभी 3rd October का देख रहे हैं राइट। तो यहां पर देखिए 11900 के ऊपर राइटिंग हो रही है, यहां पर 11200 के अंदर राइटिंग होना स्टार्ट हो गई है। सबसे ज्यादा अगर हम लोग को ओपन इंटरेस्ट यहां पर दिख रहा है तो यहां पर दिख रहा है। तो ये डेटा मैंने यहां पर फेच कर लिया और इसको बड़ी आसानी से मुझे एक नजर के अंदर सारा दिख जाता है। तो मैं NSE की ऑप्शन चेन को ओपन करूं और वहां पर समझूं, उससे बेटर मुझे यहां पर लगता है राइट। 26th September का हम लोग को एक्सपायरी का देखना है, तो देखिए कहां पर कॉल राइटिंग हो रही है, कहां पर आज सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, वो डेटा मुझे देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। तो ये सारा डेटा आपको यहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के हम लोगों ने स्टॉक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ओपन इक्वल टू लो कहां पर हुआ है ये मैंने यहां पर बनाया हुआ है। तो इसमें मुझे देखने को मिल जाएगा कि यहां पर अभी 341 की प्राइस पर ये ओपन हुआ है और यही उसका लो था। तो यहां पर एक हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो ओपन हाई लो मैंने यहां पर स्क्रीनर बनाया हुआ है, तो ये निफ्टी 50 का देखने को मिलेगा, निफ्टी मिड कैप 100 में देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज कहां पर हुआ है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहां पर डिश टीवी के अंदर आज 5% डिश टीवी बढ़ा है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको देखना है सिंबल वाइज इसको चेंज करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं। हाई के नजदीक कौन है, अगर आपको वो लगाना है यहां पर, तो वो आप यहां पर लगा सकते हैं राइट। तो इस तरीके से आपको यहां पर डेटा देखने को मिलेगा। यहां पर मैंने कई सारी चीजें लगाई हुई है, जैसे कि ATP के ऊपर निकल रहा है तो मुझे बता देगा वो, सिग्नल यहां पर मुझे मिल जाएंगे इंट्राडे के लिए। तो कई सारी चीज आप यहां पर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी मेन बात पे। अगर हम लोग इस एक्सेल शीट को यहां पर बंद कर देते हैं
राइट, तो इसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है क्लोज। सिमिलरली हम लोगों ने इसको भी यहाँ पर कर दिया है क्लोज, और जो हमने अभी एक्सेल शीट बनाई थी इसको अभी हम लोग एक नाम दे देते हैं यहाँ पर, हमारा लाइव डेटा, राइट, और इसको अभी हम लोग यहाँ पर सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। ठीक, ये हमारी एक्सेल अभी क्लोज कर दिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कई सारे लोगों को कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम इस एक्सेल शीट को यहाँ पर ओपन करते हैं तो हम लोगों के पास ये एक एरर आता है कि अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपडेट पे क्लिक करते हैं, राइट, तो इस तरीके का एरर आता है और यहाँ पर ये क्लोज हो जाता है। इस तरीके की प्रॉब्लम सभी को देखने को मिलती है कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं एक्सेल को तो हमारे पास वो डेटा यहाँ पर नहीं आता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है इसको हम लोग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपके पास डेटा नहीं आ रहा है, आपने पूरी मेहनत करके आपने सारा लाइव डेटा चलाया, आपने सब कुछ किया, आपके पास डेटा यहाँ पर क्लोज हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर से आप लाइक करना वीडियो को। देखिए, आपको करना क्या है, आपको फिर से उसी प्रोसेस पे जाना है, एक्सेल पे जाना है आपको, यहाँ पर इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, राइट। बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक थी। और लाइव डेटा को यहाँ पर आप एक्सेल के अंदर जाएंगे तो आपको रिसेंट फाइल के अंदर दिख जाएगा, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, डेटा आपका वापस से आ गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सिंपल एक छोटी सी ट्रिक थी, जिंदगी भर तक आप यहाँ पर लाइव डेटा को फेच कर सकते हैं। आप बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बनाए, यहाँ पर आप ऑप्शंस के अंदर जो भी स्ट्रेटेजी बनाए, कॉन्डोर बनाए, बुल कॉल स्प्रेड बनाए, या आप इंट्राडे के लिए यहाँ पर स्क्रीनर्स लगाएं, कुछ भी आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं, एक दिन का रिटर्न कितना है स्टॉक का, 10 दिन का रिटर्न कितना है, जो भी आपको लगता है आप यहाँ पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे यहाँ पर लिखें कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, तो मैं आपका यहाँ पर जरूर से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो अभी हम लोग एक एक्सेल और यहाँ पर ओपन करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर एक्सेल को ओपन किया था, सिंपली हम लोग को राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है, और जो हमारी मेन एक्सेल थी हम लोग उसको ओपन करते हैं, जैसे माय वर्किंग एक्सेल, तो इस पर हम लोग अभी क्लिक करते हैं। अपडेट मांगेगा, 1-2 सेकंड के लिए डेटा हमारा जाएगा, फिर से डेटा यहाँ से वापस से रिकवर कर लेगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि जिस भी टर्मिनल से आप यहाँ पर डेटा को फेच कर रहे हैं उसको आपको ओपन रखना है। अगर आप इसको भी क्लोज कर देंगे, लेट सपोज अभी आप इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर इसको क्लोज करने के बाद आपका डेटा नहीं आएगा, राइट। तो जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हैं तो आप इसको जो भी टर्मिनल से आप यहाँ पर ले रहे हैं डेटा उसको आप जरूर से पहले ओपन कर लीजिए, तो आप हमेशा यहाँ पर लाइव डेटा बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से स्क्रीनर्स को बना सकते हैं, किस तरीके से लाइव डेटा से हम लोग ट्रेडिंग सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर हम लोग अभी और कुछ यहाँ पर बनाने वाले हैं, काफ़ी चार्ट्स इसके अंदर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको अगले वीडियोस को यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।